विंध्य व्यापारी संघ ने विदाई समारोह का आयोजन कर की नगर पुलिस अधीक्षक भरत दुबे की विदाई। नगर पुलिस अधीक्षक भरत दुबे का स्थानांतरण अभी हाल ही में रीवा शहर से हुआ है, जिनके लिए विंध्य व्यापारी संघ ने विदाई समारोह का आयोजन किया। शहर में काफी समय से सीएसपी के पद पर पदस्थ भरत दुबे के नेतृत्व में शहर की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। साथ ही वह एक सरल एवं सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिनका लोगों के साथ अच्छा तालमेल है। विंध्य व्यापारी संघ ने भरत दुबे के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। माला में अरे काली तो आई नहीं रहा। हमको लगा कि गाड़ी वाड़ी बाहर खड़ी है फोर व्हीलर, ये फोड़े पाड़ेगा। तुरंत मैंने छत पे सर पहुंचा और सर को मैंने फोन लगाया। मैंने सर हॉस्पिटल में थे, वैसे ही बहुत टेंशनाइज थे, काफ़ी हंगामा था। और 10 मिनट मुश्किल से 9 या 10 मिनट हुआ होगा, एक गाड़ी फोर से साए करते करते तुरंत पहुँची। मतलब तो उस समय बड़ा खुशी लगी कि सर ने बड़ा काम किया। मतलब नहीं तो बहुत बड़ा हादसा जो होते थे, गाड़ियाँ बाहर रही वो ऐसा कांड था कि गाड़ियाँ फोड़ फाड़ देते। आप लोगों ने बारे में बहुत कुछ कह दिया है तो जब आप लोग इस टाइप से बात करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि काम करना तो अपनी जगह पर है, काम में करता रहता हूँ। लेकिन जब आप ऐसे समझदार लोग कुछ उसमें प्रशंसा के रूप में बताते हैं तो मन को बड़ा सकून मिलता है, तसल्ली मिलती है कि हमने जो काम किया है उसका हमको रिजल्ट मिल रहा है। रीवा जो जिला है, शहर है, इससे कुछ मेरा पता नहीं क्या नाता है, क्या संबंध है। यहाँ की आव हवा से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के जब मैं यहाँ प्रोफेसर था, मतलब मैंने ट्रेनिंग पूरी की थी, तब मैं फर्स्ट पोस्टिंग में रीवा हुई थी। 82 की बात है, 81 में ट्रेनिंग में गया था, 82 में निकला हूँ ट्रेनिंग। तो उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग मेरी रीवा हुई। अब चूँकि मेरा सागर घर है, सागर में ही मेरी एजुकेशन हुई, वहाँ से BSc किया। और इसके बाद में मेरी ये जो वैकेंसी निकली सर्च फैक्टर की, उसमें पोस्टिंग हो गई। तैनाती मेरी ट्रेनिंग के बाद रीवा हुई, तो रीवा में ही मेरी मतलब फर्स्ट तैनाती हुई। सागर में चूँकि मैं रहा, वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, वहीं ट्रेनिंग किया, और इतना दूर पोस्टिंग हो जाना एक मेरे को अजीब सा लगा कि इतना दूर कहाँ मैं आ गया। लेकिन जब यहाँ मैंने काम किया, काम करते करते रीवा मुझे ऐसा हो गया कि सागर मेरा घर अवश्य है, लेकिन रीवा मुझे घर जैसा लगता है।